नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ आपका लीगल ईगल्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इस तरह से है कि अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि हर कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके सेशन कोर्ट और लोअर कोर्ट का हर जज जानता है इसके बारे में कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, पर अगर इसको आप हाईलाइट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मजबूती से आपके केस में काम करेगी और इसके तथ्यात्मक रूप से भी आप फायदे उठा सकते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अलग अलग टिप्पणी अलग अलग केसेस में करते हुए कहा है। देखिए, सबसे ज्यादा डैमेज अगर पति पत्नी के संबंधों को कोई करता है तो या तो लड़के के माता पिता का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है या फिर लड़की के माता पिता का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली लड़की के केस में उसकी मदर का हस्तक्षेप बहुत होता है, उनका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि अगर वो एक शहर में रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली मिले, पर वो अक्सर मिलते रहते हैं। एक न्यूज आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था अभी कुछ सालों में और बहुत लोगों ने उस आर्टिकल को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उतारा था, जो कि यह है स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर यही चीज समझाई गई है कि अगर मदर का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो उस वजह से लड़की का घर टूटेगा ही टूटेगा। औरत अपनी बेटी को रिमोट से चलाती है, यानी दूर से बैठे बैठे चलाती है और वो सारा दिन फोन पे लगी रहती है उसके साथ, और घर में क्या पका, क्या खाया, कब उठे, कब सोए, तुमने यहां तक कि कब दोनों ने सेक्स किया है, नहीं किया है, करना है कि नहीं करना है, ये सब डिसाइड करना शुरू कर देती है मदर। इसके दो फैक्टर्स ये हैं कि या तो वो पहले से ही अपने घर में बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेटिंग है वह सास आपकी, और या फिर वो इतनी ज्यादा शोषित रही है या इतनी परेशान रही है अपने पति से, यानी आपके ससुर से, कि अब जो कसर उस पे नहीं निकाल सकी, जो अंदर की उसकी जो मृत इच्छाएं हैं वो वापस आपके घर के अंदर पैदा करती है। वो चाहती है कि जो डोमिनेशन मैं करना चाहती थी अपने पति पे और मेरे पति ने मेरे उस सब चीजों को किसी तरह से मुझे बांध दिया किसी वजह से, तो वो सारी दादागिरी वो आपके ऊपर करने की कोशिश करती है। देखिए दोस्तों, डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का अगर आप केस अपनी वाइफ की मां के ऊपर लगाते हैं तो उस केस में वो औरत बुरी तरह से इस पूरे मैटर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप CDR किसी भी तरीके से प्राप्त कर लीजिए। आजकल इस पे IT एक्ट नहीं लगता है, कई लोग इसको विवादित करते रहते हैं, सब IT एक्ट लग जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोशल मीडिया को अगर आप किसी तरह से अपनी बीवी के अपने पास कब्जाते हैं या पता करते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 24 और 25 जो IT एक्ट का है उसके अकॉर्डिंग डिसऑनेस्टी और फ्रॉडिलिटी की अगर इंटेंशन आपकी नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप अपनी वाइफ के डेटा को यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ किसी तरीके की साजिश करती है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 21 संविधान का आपको अधिकार देता है जीवन जीने का और लिबर्टी का, और उस लिबर्टी का हनन कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से करता है तो आप उसके खिलाफ जाने के लिए किसी तरह के कानून का अगर उल्लंघन अपनी सेफ्टी में करते हैं तो आपको वो फायदा देता है। मर्डर करना एक अलग चीज है, किसी की हत्या करना एक अलग चीज है, परंतु कोई व्यक्ति अगर इरादतन आपकी हत्या करने आ रहा है और आपने अपने डिफेंस में उसको किसी तरह की क्षति पहुंचा दी या उसको मार दिया, मारना वो आपको चाहता था पर आपने उसको मार दिया, तो उस सूरत के अंदर वह व्यक्ति किसी भी तरह से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और अगर वह मर गया है तो आपके खिलाफ कोई मर्डर नहीं लगेगा। डिफेंस में कोई भी चीज अगर आपने की है तो उसको आपके लाइफ और लिबर्टी से जोड़ के देखा जाता है सेफ्टी के मेजर से। तो आप अपनी सास को इस तरह से अपने डैमेज ऑफ रिलेशनशिप के केस लगाकर अपनी पत्नी को भड़काने का, उकसाने का और ये सब चीजें कर सकते हैं आराम से। अगर इतना ज्यादा कम्युनिकेट किया गया है कॉल्स पे, उस डेटा को अगर आप दिखाते हैं, घंटों घंटों दोनों ने बातें की हैं, दिन दिन भर रोज उनकी बातें होती हैं, तो ऐसी कौन सी वो बात है जो वो रोज करती हैं, इसको
उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। कोई रेसिपी इतनी देर तक नहीं समझाता, कोई घर की बातें इतनी देर तक नहीं समझाता, यानी कि बातों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और इतनी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन को कॉन्स्पिरेसी का पार्ट समझाया जा सकता है। आप आराम से अगर इस मुद्दे को लेके आते हैं तो एक महत्वपूर्ण बिंदु और बचता है जिसको मैं आप समझा देता हूं। इसके अंदर कुछ चीजों को घुमा फिरा कर भी आपको यूज करना होता है, कुछ साथ में सपोर्टिव अगर आप डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिव अगर आप कुछ एविडेंसेस लगाते हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि आपकी सास का इंटरफेरेंस हुआ करता था, जैसे कभी आपको मैसेज उसने किया या आपने किया या आपके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है और उसको अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एविडेंस के फॉर्म में लगाते हैं तो ये सब क्लब करके आपकी सास के इंटरफेरेंस के ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर ससुराल वालों के हस्तक्षेप की वजह से घर के अंदर कलह हुई और जिसकी वजह से तलाक माना गया। क्या कि अगर हस्तक्षेप ज्यादा ससुराल वालों का होगा तो उस सूरत में पति को जीना मुश्किल हो जाएगा, उसकी लाइफ और लिबर्टी का हैम्पर होगा, उसको ब्लॉक किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, तो उस वजह से कोर्ट आराम से तलाक दे देती है। ये एक मेरा खुद का बनाया हुआ एजेंडा है, अगर आप अपने केसेस में इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी हो रही है, दिल से चैनल को हम लोग चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके तक डिलीवर हों, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।